है, लेकिन याद रहे बाथरूम अंदर है, मॉल के अंदर है। एडवाइस यही करूंगी, पानी पी के टांग ऐसे रख के बैठ जाए, चक्कर के आ जाए। अभी बहुत टाइम है, काफी देर यहाँ रुकेंगे, मजा करेंगे। और सब लोग टाइम से आ गए थे, इस बात का बहुत खुशी है। हालांकि जिस हिसाब से अभी यहाँ पे सब जगह अपग्रेड हो रही है, मुंबई तो सड़कें बन रही हैं, प्रोग्राम चल रहा है क्या? छोटी छोटी तुम लोग कैमरा लेके बात बात में, वो किधर गया राधे? बजाना घंटे, क्या हुआ? सांस फूल रहा है क्या? अच्छे से घंटी बजा, बस कर, घंटी जलाएगा हमारी। आजा भाई साहब। एक मिनट, क्या लगा रखा है? तुम भी भाई साहब बोल रहा है, सारी जनता भाई साहब बोल रही है। 40 मिनट लगा है, ऐसे तो मत कर, दूसरी गलती करना। हाँ बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं? 2 किलो गुड़ देना। बोतल लाए हो? गुड़ बोतल में नहीं आता है। हाँ सॉरी, मैं आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता। सुनो ना, तुम दोनों, उनका दिख नहीं रहा है उनको, तुम दोनों पूरा इधर थोड़ा उनको देखने दो ना, उनको दिख नहीं रहा, आपको नहीं दिख रहा था ना? मैं समझ रही थी, चलो ना दिखे कोई बात नहीं, आपको क्या दिख रहा था, मैं वो देख देख के घबरा रही थी। इतना 140 किलो का आदमी अपना ऐसा करके खड़ा हुआ आपके आगे, आई एम सॉरी, है ना? इधर खड़े हो जाओ ना। राधे कहाँ है? ए राधे, उनका कोई आदमी बीच में नहीं खड़ा। हाँ सामने तो 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। 2 बार पूछ जाओ, लेकिन बिजनेस नहीं सीखा। ये कौन से फेसबुक से पढ़ के आया है चुटकुला? हाँ कुछ और आता जाता है कि टोटल नल्ले हो? फेरो शायरी। कौन करता है शायरी? मैं शायर, पिताजी शायर, पिताजी के पिताजी शायर, 7 पुश्तों से मुशायरे में हिस्सा लेते आ रहे। मतलब 7 पुश्तों से बेइज्जती कराते आ रहे हो? जब भी बड़ी कमाई। नमूने के तौर पर शेर सुनाओ। अर्ज किया है। यहाँ क्यों कर रहा है, पीछे जाके कर ना अर्ज। अर्ज किया है। करो करो ना अर्ज, ये क्या हाथ में क्या है, जर्रा दबाया हुआ है क्या? करो अर्ज, करो करना अर्ज। अब कर भी नहीं रहा है, अर्ज नहीं कर रहा है। धनी को घर नहीं, मेरे दिल में घर बसा ले। तेरे दिल में म्यूनिसिपालिटी प्लाट काट काट के दे रही है जो घर बसा ले, तो ढंग का चीज सुनाओ थोड़ा। हम सपेरे की बेटी हैं, गलत म्यूजिक बजा रहा है। सपेरे की बेटी है, नागिन नहीं है। Let's hear it for Rinku Mami, come on! Wow, lovely! वहाँ पर आंटी मेरे ऐसा हाथ ऊपर कर रही है। दोस्त दोस्त के साथ आया आप? सिंगल लो आप? अच्छा, दोस्त के साथ आया आपका? Okay, मैं आपसे कुछ questions पूछना चाहूँगी, देखते हैं क्या आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। मोर, क्या मोर मांगे? सैलरी इंक्रीमेंट शादी के बाद? नाम लिखे या मुझे लिखे? इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ गाइस, गाइस मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? थोड़ा पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो चुकी है, दिख रही हूँ कि नहीं? अच्छी दिख रही हूँ ना? रिंकू भाभी से ज्यादा अच्छी दिख रही हूँ या नहीं? मुंबई में बहुत ही हॉट है, हॉट समर। ऊपर जो आपका चेकअप करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो ना हो गया हो गर्मी की वजह से। Please keep yourself hydrated, everyone. Once again, a very warm welcome to this wonderful evening presented by Shreya Entertainment and Production, co-sponsored by Bally's Colombo, wedding partner in Orbit Mall. I hope you all are keeping yourself hydrated. Yes? Guys, are you guys keeping yourself hydrated? Doctor nahi aane wale yahan pe, jab tak unhe awaaz nahi aayegi aap sabki. Guys, are you excited to see Dr. Gulati? और जोर से आयो आज देवी आशा जी यहाँ मुद्रे का प्रोग्राम करने आया भाई साहब। सामने देखिए आपके गाना बजाने कहीं ना लेनी बंद कर दे। नहीं देखो नहीं मत देखो, वो मत देखो मैडम। आशी सेंटर लोग, आशी भाई लेना, आशी 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 सेंटर आगे सब लोग। अब आज चली के नहीं चले, कोई नहीं चले, रुके 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 अभी थोड़ा सा पीछे आ जाओ। रेडी क्या? हाँ रोलिंग।
रोलिंग चलो अभी यहाँ प्रेजेंट तो मैं कुछ नहीं कर पा रही बट आई एम गोना गो एंड हैव लॉट्स ऑफ वाटर एंड मे बी सम जूस बाकी आई एम ट्राइंग टू नॉट लीव माय हाउस मुझे कुछ काम नहीं है तो जैसे मैंने कहा आई रियली लाइक सुनील सर तो वो देखने के लिए मैं यहाँ तक आई अदरवाइज मैं घर बैठ जाऊंगी सो ये गर्मी से क्योर करने के लिए नहीं कर रही हूँ फर्स्ट एपिसोड तो मैंने देखा या आई एम अ फैन गाइस आई एम लाइक अ फैन फैन ऑफ कपिल शर्मा शो एंड हिज कैरेक्टर्स एंड गुत्ती एंड फैन I hope very soon. I don't know, there are many projects I am in talking terms with, but nothing is finalized yet. And jaise hi kuch bhi final hota hai, I'll let you guys know. And I really hope and wish that I get something which I want to get, you know. So. लोग चाहते हैं अच्छा I don't really have any thought like Big Boss is a very big platform this is a great show and I really salute those people जो वो show करते हैं और इतना time survive करते हैं I feel that the survival और मैं कभी actually अपने parents के सिवाय अपने घर के सिवा 15 दिन भी नहीं रही so I went on a road trip on a 15 days अपने घर से दूर थी मुझे home sickness होने लगी तब मुझे realize oh my god if in case I do Big Boss I'm gonna get mad क्योंकि contact ही नहीं होगा भाई मैं कैसे रहूँगी अंदर legend like he's a legend in comedy and it's so amazing to see him performing live and I'm so looking forward to you know watch his entire show because jab bhi jisse mujhe aisa lagta hai stand up comedians hote hain wo stage mein ko live aag laga dete hain to jitna bhi aap tv mein dekhe wo ek alag feel hota hai lekin jab aap unhe live perform karte dekhte hain to ek alag energy hoti hai ek alag feel hota hai and puri energy unki pure audience aur sab mein phail jati hai so it's going to be really really amazing lekin personally aap comedy kitna pasand karte ओ आई लव आई थिंक किसको कॉमेडी नहीं पसंद है इतनी स्ट्रेस की लाइफ में कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको हंसाती है सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी ऑल हैव एंड थैंक्स टू दिस अमेजिंग आर्टिस्ट हु मेक अ स्माइल हु मेक अ लाफ एंड यू नो दिस इज द बेस्ट थिंग दे आर डूइंग फॉर अस Okay, we can see the great fitness. Thank you. Please tell us something about your day routine, fitness routine. My fitness routine is more like workout. I also go for my dance classes, I do my gym, and most importantly, the diet. Right. You have to, I always believe that it's 80% diet and rest is all your workout and physical activity. So like I go less on carbs at times and then have more of proteins and veggies. So that's how I go about it, but then at the end of the day, you have to keep yourself physically fit also. Any questions? No? Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay, done. Thank you.
बहुत ही मज़ा आ रहा है. सुनील ग्रोवर जी का पब्लिक शो है एंड आई एम अ ह्यूज फैन. आई नो हिम पर्सनली एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड मेरे हिसाब से उनसे बेहतर एक्टर कोई नहीं है बिकॉज हिज कॉमिक टाइमिंग्स एंड उनमें कह सकते हैं कि रब की एक देन है दुनिया को हंसाने का. उन्हें जो गिफ्ट मिला है विच इज़ ब्लेस्ड टू बी इन हिज एरा एंड टू वॉच हिम लाइव इज़ अमेजिंग. Personally, we all are fan of comedy. हाँ जी बिल्कुल. How much you are fan of comedy? मैं तो आपने मुझे हमेशा देखा हूँ, मैं हंसती रहती हूँ और मैं खुद भी मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे PJs मारने में और कॉमेडी फिल्म देखने में. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुनील पाजी एंड वो कमाल के आर्टिस्ट तो हैं ही लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं एंड दैट रिफ्लेक्ट्स व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन या जब भी आप उनकी कोई भी उनकी एक्ट देखते हैं, उनको टीवी पे देखते हैं, वो ऐसा लगता है कि अपने ही हैं. सो आई थिंक क्योंकि इतने अच्छे इंसान है दैट शोज इन हिज वर्क. तो इतने अच्छे इंसान है तो उनके लिए एक छोटा सा गाना तो बनता है. 6 बजे नहीं, 7 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, 9 बजे ड्यूटी शुरू होती है. आई थिंक हिज फनी सॉन्ग्स हैव आल्सो बिकम लेजेंडरी. लाइक लेकिन चेहरे पे आपके जैसे आपने पहले भी कहा कि हमेशा स्माइल रहती है और हम आपको देखते भी हैं, एक पॉजिटिवनेस का साइन है कि यार मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो शायद इसलिए. लेकिन हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर यू स्पेशली? क्या मतलब कॉमेडी? नहीं, खुश रहना. मुझे लगता है कि हमारी जो जिंदगी हमें भगवान ने दी है और हमें वो देखना चाहिए कि हमारे पास इतना कुछ है. वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल. वो ना देखे कि क्या नहीं है, हम बहुत लोगों से काफ़ी बेहतर हैं. सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव. तो फिर ये स्माइल अपने आप आ जाएगी. वेल अभी रिसेंटली मैंने अपना सिंगल रिलीज़ किया है यार बनाया तेनू और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से. और आज ये रणनीति करके जियो सिनेमा पे एक वेब सीरीज़ आई है, उसमें भी एक मैंने कश्मीरी गाना गाया है और एक बहुत ही प्यारा वेडिंग सॉन्ग आने वाला है. और बस आप प्यार देते रहिए. थैंक यू. Hello, hi everyone, this is Sonia Birje and trust me, this show is so entertaining. I am such a big fan of Sunil Grover. Isn't he the best? So we are enjoying the show, it's amazing. And I have a news, my movie is releasing on 10th of May. It's called Tipsy, directed by Deepak Tijori sir, and it's amazing. It's got 5 gorgeous talented young women and it's adventurous, thrilling, suspense. So please come, show us your love and support. 10th of May in theaters near y'all. Deepak Tijori sir, we all know he's a legend. Yes. He's a very senior actor. Yeah. How was it working with him? Amazing. I mean, working with him as a director, like he's great. He just lets you be yourself. Matlab. Aur jab aap ek actor hote ho na, to aap ek actor ko samajh sakte ho ek dusre level pe. और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो क्या कैसे करना है, क्या सीन करना है, क्या है. एंड इट्स अमेजिंग. और उन्हें एक्टिंग भी की है, ही इज़ डन अ फैंटास्टिक रोल इन द मूवी. सो इट वॉज ग्रेट. आई एम वेरी लाइक हैप्पी एंड दिस इज़ माई डेब्यू इन बॉलीवुड. सो आई एम एक्साइटेड. सारे लोग नर्वस होते हैं when it comes to a debut, right? एक्साइटमेंट और नर्वसनेस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है ना, थोड़ी बहुत. Yeah, but I will like to call it excitement, not nervous, because I have my strong faith with God and everybody, you know, so I'm confident. Right. Yes. But I'm sure आपने social media पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ post किया होगा film के बारे में. How is it response so far? Response is, it's all mixed, but largely people are liking it. It's the trailer's out right now, और इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, and it's very
fast paced thrilling trailer also, so it's gripping and people are excited to see it actually. Thank you so much. We all are excited to see. Thank you. देखिए मेरे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान उनका फ़ैन है और यू नो मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको और स्पेशली उनके कुछ पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टर हैं जैसे कि डॉक्टर गुलाटी और जब वो लड़की बनते हैं और जब वो अचानक से शाहरुख खान बन जाते हैं तो वो उनके अंदर एक मतलब पर्टिकुलरली आई थिंक वो नेचर कॉपी कर लेते हैं सब उनको पता है कि किस कैरेक्टर में किस तरह से बात करनी है तो मुझे मौका लगा था कि चलो क्यों ना सामने से उनको देखा जाए सुना जाए तो मैं आ गया आज। अच्छा उनका कमबैक भी हुआ है कपिल शर्मा शो में द ग्रेट कपिल ग्रेट इंडियन। जी ऑफ कोर्स। तो क्या आप देख पाते हैं तो? फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब टीवी देखना उतना नहीं हो पाता है बट शो ही इतना वायरल है कि आप कहीं ना कहीं आपको नज़र पड़ जाती है और देख लेते हो और अगर नहीं देखा होता या लोगों ने नहीं देखा होता तो ये जो कैरेक्टर जो करते हैं सुनील जी वो इतना फेमस नहीं होता तो हम सब देखते हैं या तो टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं या कहीं से भी वो नज़र में आ ही जाता है। लेकिन अंकित सर को अगर सुनील को कोई गाना डेडिकेट करना तो कौन सा गाना प्लीज़ सर? ये यार अभी नहीं इन द सेंस कि ये तो सोचना पड़ेगा यार ये सवाल ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ पूछोगे कौन सा गाना डेडिकेट कर रहे हैं आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट यार कुछ भी गा सकता हूँ उसके लिए एज अ फ्रेंड ही इज़ गुड फ्रेंड ऑल्सो हम लोग कभी कभार मिल लेते हैं तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सर एनीथिंग इन पाइपलाइन एनीथिंग अपकमिंग आई थिंक अगले महीने की 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में एक अच्छा अनाउंसमेंट आ रहा है सो जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ मैं इतना ही बता सकता हूँ कि एक अच्छा एक अनाउंसमेंट है और आई होप आप सबको पसंद आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। Thank you. आप बना रहे हैं इंटरेस्टिंग जरूर होगा यार बस कोशिश है। It's great. I mean, watching Sunil Grover performing on his stage is a surreal experience. पहली बात तो इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं अनडाउटली हम लोगों ने बहुत सीखा है उनसे जिस तरह से उनका रिदम है जिस तरह से वो क्राउड वर्क करते हैं जिस तरह से जो उनका इंगेज करते हैं जिस तरह से क्राउड को वो अपने आप में ही बड़ी कमाल की चीज़ है। हम सभी बड़ा बिजी रहते हैं आज मुझे मौका मिला उनका शो देखने के लिए आज तो मैं थॉरली बहुत 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 एंजॉय किया। लेकिन जिस तरीके से वो अलग अलग किरदार निभाते हैं जी अमित जी का किरदार निभाते हैं जी शाहरुख भाई का किरदार निभाते हैं जी वो कितना डिफरेंट और कितना डिफिकल्ट होता है एज एन आर्टिस्ट आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स आप भी काफी आर्टिस्ट का हम देखते हैं वी आर अ फैन ऑफ योर्स तो प्लीज बताइए कितना डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्या होता है कि आप जब अपनी वॉइस को जब चेंज कर रहे होते हैं
एक डिफरेंट टॉपिक को लेकर आप फिर आपके साथ क्राउड को जो आप बोल रहे हो समझ में आना चाहिए उस तरह से, वो वहाँ पीछे पंचेस होनी चाहिए, कमाल की लाइनें होनी चाहिए, तो अनडाउटली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यार वो इतने सालों से वो कर रहे हैं और अब सुनील साहब के लिए अब तो बोलने की जरूरत नहीं ना, मतलब उनकी प्रेजेंस ही आप देखोगे जब वो स्टेज पर आते हैं, वो जब आप उनको देख के हंसना शुरू कर देते हो, हमारे जैसों को पहले कुछ एफर्ट करना पड़ता है तब वो लोग हंसना शुरू करते हैं, तो नोटिस कराना पड़ता है। हाँ अनडाउटली हमने तो इस ग्रेट पर्सन सर से इंस्पिरेशन, अरे बड़ा ये मतलब छोटा मुंह बड़ी बात मैं क्या कर पाऊंगा, हम हमेशा सीखते रहते हैं, और पहली बात तो इतने बड़े इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं, आप ये समझ लो ऑलमोस्ट मैंने आधी से ज़्यादा आवाज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं, अगर मैं वो बोलता हूँ तो इसमें मुझे बोलने में मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि इतने बड़े कमाल के आर्टिस्ट को आप, और जब इतने नज़दीक से आप उनको परफॉर्म करते हुए देखते हो ना, तो कई बार जो नुएंसेस होते हैं आप वो देख रहे होते हो, जो नेक के और लिप्स के मूवमेंट होते हैं, तो आपके लिए और ईजी हो जाता है कि वो चीज़ आप और बेहतर तरीके से कर पाएँ। लेकिन सुनील सर का जिस तरीके से कमबैक हुआ है कपिल शर्मा शो, है ना यार कमबैक, यार वो कमबैक यार वो इतनी बड़ी चीज़ है, सालों का जो टकराव था वो खत्म हो गया। नहीं नहीं यार ये सब लोग कहते हैं, वो उनकी पहले भी बातें होती थी, वो तो क्या होता है ये मीडिया के लिए ऐसा होता है, जितनी मुझे नॉलेज है उनकी पहले भी बातें होती रही हैं, और उसके बीच में उन्होंने सनफ्लावर का सीज़न किया, वन किया, टू किया, उसके बाद में अपने मूवीज़ के प्रोजेक्ट के लिए बिजी थे, उसके पहले भी जब बात हुई तो दोनों एक दूसरे से पहले भी बात करते थे, बस हो सकता है कई बार उनके दो अपने अलग अलग कोई रीज़न हो, चैनल का रीज़न हो, जो कुछ भी हो, अनडाउटली यार वो अच्छे दोस्त आज भी हैं, अभी देखो ना नेटफ्लिक्स में वो लोग कर रहे हैं। क्या आप भी जाने वाले? नहीं नहीं हमको अभी मौका मिलेगा, इतने बड़े बड़े महारथियों के बीच में हमारे जैसों को जब मौका मिलेगा जरूर जाएंगे, कपिल शर्मा शो में भी मौका मिला था तब भी वहाँ पर भी गए थे, आगे भी मौके हैं। लेकिन आपको लगता है कि टीवी से हटाकर वो नेटफ्लिक्स पर शो डालना क्या ये ग्रेट मूव हो सकता है? एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए ना, मतलब हर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, वरना आप देखो ना इतने बड़े अरीना पर यहाँ पर एक शो किया गया, ये भी तो एक्सपेरिमेंट ही है ना, डिपेंड करता है लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड 40-50 कंट्रीज़ में लोग उसको यहाँ पर देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो हमारी इंडियन ऑडियंस है मतलब दुनिया के हर मुल्क में आपको मिल जाएगी, और लोग वहाँ पर इतना पैसा दे के देखते हैं वो, है ना, तो ये आप ये देखो कि एक नेटफ्लिक्स की तरफ से इतना कमाल का मूव है जो टीवी के थ्रू नहीं देख पाते थे ना, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होता है उनके अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होते हैं, ये चैनल आएगा वो नहीं आएगा, वहाँ पर ये लोग इतने कंट्रीज़ में पहुँच रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमाल की बात हमारी इंडिया के लिए ना यार कि यार इंडिया के इतने बड़े मतलब लेवल के आर्टिस्ट ना उनको दुनिया में जा रहे हैं, तो इससे हम सभी की हम जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ती है। जैसे हम सभी जानते हैं कपिल शर्मा ने एक छोटे शो से शुरुआत की, छोटे यू नो छोटे शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, और इतना बड़ा आज नाम, क्या ऐसा शो क्या आपकी तरफ से भी देखने मिल सकता है, क्या खुद का आप शो बनाएंगे? देखिए साहब जब किसी देखो ना ऐसे सवाल में पहले लोग बड़े बड़े कमाल कमाल के आंसर देते हैं, लेकिन देखो क्या होता है चैनल माई बाप होता है, कभी हमारे ऊपर भी हाथ रख दिया, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चैनल हमेशा हमें मौका देता है कि जब उनको लगता है कि जय विजय की यहाँ पर नीड है वो बुलाते हैं, और बड़ा रिस्पेक्टफुली हम वहाँ पर जाते हैं, होपफुली आपकी हो सकता है, उन्होंने आपने ये बात की है हमको मौका मिल जाएगा हम भी कर देंगे शो। अच्छा एक आखिरी सवाल, काफ़ी एक्टरों के आपने आवाज़ निकाले हैं, बहुत बड़े फैन हैं हम भी आपके, लेकिन सनी देओल साहब का आवाज़ बहुत कम निकाला है, बहुत कम देखा है हमने, प्लीज़ एक सनी देओल के साहब की आवाज़ में कुछ हो जाए सुनील भाई के लिए। अब मैं उनके लिए क्या बोलूँगा, तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, और आप बोलते तो उनके पापा के निकाल देते, लेकिन मेरे आने के पहले भी पापा की आवाज़ निकाली थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
for Sunil Grover's show, what would you like to say and how did you enjoy it? आई थिंक हम क्या पूरी दुनिया सुनील ग्रोवर जी की फ़ैन है एंड ही इज़ वन आर्टिस्ट जो आपको आधी रात को भी नीलकंठ का देखो तो आपको हंसा देगा. आपका मूड ख़राब है तो मूड बढ़िया हो जाएगा एंड आई थिंक वी ऑल लव हिम और आई थिंक देयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु कम टू वॉच द शो एंड सपोर्ट हिम एंड वी लव हिम एंड हमारा तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है. वो भी गुलाटी, मैं भी गुलाटी, मशहूर गुलाटी है नाम जी. सो आई लव पाजी एंड ही इज़ अ सुपर ह्यूमन बींग ऑल्सो. बहुत अच्छे इंसान भी हैं और मैं ऑल द बेस्ट विशेज इनका हर शो ऐसे ही सुपर हिट जाए. हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, सीरियसली बहुत अच्छा लगा और देखा भी, शो भी बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों का प्यार भी मिला. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और हमारा गाना भी आ रहा है अभी 23 तारीख को, यार नाराज ना हो. राम जी पाजी ने ही गाया है और हमने, हाँ मैंने डेब्यू किया उसके अंदर. पाजी का डेब्यू हो रहा है, इज कमिंग सॉन्ग. पाजी ने तो बहुत सारे सॉन्ग किया है. तो 30th को 1 बजे यार नाराज ना हो रिलीज़ होने वाला है. तो जितने भी पाजी के फैंस हैं और हमारे फैंस हैं, द पीपल हु यू विल फॉल इन लव, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप और बस बहुत एक्साइटेड दोस्तों के ऊपर है. मतलब अगर आपको सुनोगे तो अच्छा लगेगा. अगर आपका दोस्त नाराज हो गया तो आप वही गाना चला दोगे. नाराज होने नहीं दोगे आप अपने दोस्त को. लेकिन दोस्ती के मायने क्या आप लोगों के लिए? आप लोग काफी अच्छे दोस्त हैं. दोस्ती है तो सब कुछ है ना. अदरवाइज तो फिर अकेलापन ही है. वो कहते हैं ना, माँ बाप पहले हैं, उसके बाद तो फिर दूसरा अगर दोस्त का ही है अपना. हाँ, हमारे तो गाने है. हमारे गाने में लाइन भी है, चाहे रब हो जाए नाराज पर मेरे यार नाराज ना हो. सो या फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग. अभी एक लाइन आ चुकी है गाने की, बाकी 30 तारीख को आएगी. थैंक यू 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 थैंक यू